शासन और प्रशासन के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यालय जाने से पहले बच्चे अपने गांव की ही आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचे और उनकी पढ़ाई की नींव यहीं से रखी जाए। इसके लिए उनके खान पान की व्यवस्था के साथ साथ पोषक तत्व को उपलब्ध कराने के लिए भारी मात्रा में बजट खर्च किया जाता है। लेकिन जिनके कंधे पर इन मासूमों के पालन पोषण की जवाबदारी है, उन्हीं की लापरवाही के चलते यह योजना खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। ताजा मामला रीवा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत तमरा का है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ममता सिंह और पंचायत सचिव रेणु मिश्रा की लापरवाही के चलते इस योजना का लाभ यहाँ के मासूम को नहीं मिल रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि पंचायत के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आंगनवाड़ी केंद्र में विगत 2 माह से पानी भरा हुआ है। यह पहली बार नहीं हुआ है। बताया जाता है कि हर बरसात में यही हाल हो जाता है, जिसके चलते मासूम आंगनबाड़ी केंद्र नहीं पहुंच पाते और शासन की योजना के तहत मिलने वाला पोषक तत्व बाजारों में बिक जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते आंगनबाड़ी केंद्र के एक कक्ष में ग्राम पंचायत लगती है और साथ ही बगल में सरकारी स्कूल है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई करते हैं। लगातार भरे पानी के चलते जहरीले कीड़ों का निकलना भी जारी है, जिसके चलते कभी भी गंभीर घटना घटित हो सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बाड़ी केंद्र क्रमांक भ्रमण कर कार्यकर्ता और पंचायत सचिव के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना का सही तरीके से पालन करवाने का निर्देश दें, जिससे मासूम बच्चों को पोषक तत्व के और किसी बड़ी गंभीर घटना से भी बचाया जा सके। आइए देखते हैं पंचायत और आंगनबाड़ी केंद्र का दृश्य।